अपनी विश्व गुरु वाली कूटनीति का सबसे बड़ा दांव चल रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से दुनिया के क्या हालात हैं? चीन की विस्तारवाद वाली साजिश पर कैसे लगाम लगाई जाए? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने से लेकर आतंकवाद पर लगाम लगाने तक कैसे तमाम बड़े मुद्दों पर दुनिया में कूटनीति का नया अध्याय शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। पीएम मोदी का ये दौरा भारत की कूटनीतिक क्षमता को विश्व गुरु के तौर पर स्थापित करने में मददगार साबित होगा। वॉशिंगटन डीसी से न्यूज 18 संवाददाता महा सिद्दकी वहां से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 6 बजे के करीब वॉशिंगटन डीसी अपनी अमेरिका की यात्रा पर पहुंच जाएंगे। सबसे अहम इस यात्रा में जो मुद्दा रहेगा वो है मुद्दा अफगानिस्तान का, इंस्टेबिलिटी का, चाइना का, उसके ग्रोइंग अग्रेशन का और ट्रेड का मुद्दा, कोविड और उससे निपटने का मुद्दा भी बहुत अहम है। तो इन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण मीटिंग होगी वो 24 तारीख को है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ। हताशा की ऐसी तस्वीरें हैं जिनको भुला पाना बेहद मुश्किल होगा। उस वक्त अफगानिस्तान की हालत डामाडोल है, अस्थिरता और अराजकता चारों तरफ है और सारे देश में डर और दहशत का आलम। अफरा तफरी के इस माहौल में ये देश आतंक का अड्डा बन गया है। अफगानिस्तान से अलग होने पर जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया भर के निशाने पर आ चुके हैं और आलोचनाओं से जूझ रहे हैं, ऐसे में अब सबकी नजर चीन पर टिकने लगी है। One of the highlights of the visit is Prime Minister's meeting with the US President, President Joe Biden in the White House. ये सभी जानते हैं कि क्वाड फिर से सक्रिय है और बीते 6 महीने के दौरान दूसरी बार 4 देशों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के नेता इंडो पैसिफिक पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे। That we have clearly articulated over a very long time and which I have reiterated this evening in terms of the sort of region and globe that we want to see where a state, no matter its size, has an opportunity to participate, exercise its sovereign rights free of coercion, where the international community that has benefited so greatly. दूसरे शब्दों में चीन का मुकाबला कैसे किया जाए? हालांकि से जस का तस रखने में अभी भी झिझक है। उधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+2 बातचीत आयोजित हुई जिसमें फिर से चीन के समुद्री आक्रमण पर खास तौर पर ध्यान खींचा गया। दूसरी ओर अमेरिका भी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलकर चीन को घेरने की कोशिश में लग गया है। एक नया सैन्य गठबंधन तैयार किया गया है जिसे AUKUS कहा जाता है। To be joined by two of America's closest allies, Australia and the United Kingdom, to launch a new phase of the trilateral security cooperation among our countries. As Prime Minister Morrison and Prime Minister Johnson said, I want to thank you for this partnership, your vision as we embark together on this strategic mission. Although Australia, the UK and US partnership, AUKUS. इसलिए पहले क्वाड शिखर सम्मेलन की अहमियत का आकलन करना आसान है। मसलन क्वाड चीन पर अधिक दबाव बनाने के लिए है जो AUKUS के विपरीत एक सैन्य गठबंधन नहीं है। AUKUS की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कोरोना के बावजूद लगातार बैठक आयोजित की जा रही, जापान में पीएम पद से हटने के बावजूद सुगा को शिखर सम्मेलन में अहमियत दी जा रही है। चीन की बढ़ती जो अग्रेशन है उसको कैसे रोका जाए, 4 देश US, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इनके लीडर्स हेड्स उस बैठक में ये तय करेंगे कि इंडो पैसिफिक को कैसे फ्री रखा जाए, ओपन रखा जाए, इंक्लूसिव रखा जाए, ताकि जो ट्रेड इन वाटरवेज के थ्रू होता है वो स्मूथली चले और चीन अपना कब्जा ना जमा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच जो मुलाकात होगी वो अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद पहली मुलाकात होगी। इसमें भारत अपना पक्ष रखेगा कि वो तालिबान के आने के बाद जो चुनौतियां फेस कर रहा है उसकी वजह से भारत को क्या चिंताएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 11:30 बजे अमेरिका के 4 दिनों के दौरे के लिए रवाना हो गए। हवाई जहाज पर सवार होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार की सुबह कुछ इस अंदाज में
देश के सामने नजर आए। कोरोना महामारी के बाद एक तरह से प्रधानमंत्री की ये दूसरी विदेश यात्रा है, यानी बांग्लादेश की यात्रा के बाद दूसरी बार अपने इस विशेष विमान पर सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी विदेश रवाना हुए। अपनी इस 5 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के बारे में पूरी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के जरिए दी। पीएम ने लिखा कि जो बाइडेन के निमंत्रण पर मैं अपनी बातचीत जारी रखने और आपसी हित के क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए अमेरिका का दौरा कर रहा हूँ। वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए भी उत्सुक हूँ। राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम और जापान के प्रधानमंत्री के साथ क्वाड में भी हिस्सा लूंगा। मैं वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूएन महासभा को भी संबोधित करूंगा। वैसे तो बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की उनसे कई बार बात हो चुकी है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब दोनों नेता आमने सामने होंगे। ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अपने इस दौरे पर वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन की नरेंद्र मोदी से ये पहली मुलाकात होगी। इसके पहले पीएम मोदी की जो बाइडेन से 2014 में मुलाकात हुई थी और उस वक्त वो उपराष्ट्रपति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति से सीमा पार आतंकवाद समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। As the United States turns our focus to the priorities and the regions of the world like the Indo-Pacific that are most consequential today and tomorrow, we'll do so with our allies and partners through cooperation and multilateral institutions like the United Nations to amplify our collective strength and speed our progress toward dealing with these global challenges. इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी क्वाड सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। आखिरी दिन मतलब 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित करेंगे। I think the agenda items will be quite varied. For one, of course, Afghanistan and developments there. How to actually deal with or not deal with, for example, the Taliban controlled regime there. लेकिन इस अमेरिका यात्रा का बेहद अहम हिस्सा हो सकता है जब प्रधानमंत्री मोदी कॉरपोरेट क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी की वजह से ठंडे पड़े भारत और अमेरिका के आपसी व्यापार को एक नई रफ्तार मिल सकेगी। 23 सितंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की कुछ बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करेंगे, जिसमें एप्पल के सीईओ टिम कुक भी शामिल होंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और ईयू बिजनेस मीट में शामिल होंगे। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी रिफॉर्म को लेकर अपना नजरिया साफ कर सकते हैं। ऐसे समय जब भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, वो संयुक्त राष्ट्र में अपनी भागीदारी बढ़ाने और इसमें जरूरी बदलाव को लेकर अपना पक्ष रख सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी बिजनेस इंटरेक्शन और संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली को भी संबोधित करेंगे। इस दौरे पर प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल होगा। I suspect, you know, we may see some new announcements. I think one thing people will look for is something on climate change in the bilateral meeting, particularly in the run-up to the climate summit. And this has been a big priority, a domestic priority for President Joe Biden. अमेरिकी यात्रा के अपने तय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा के साथ भी मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों का मकसद द्विपक्षीय संबंधों की थाह लेना तो है ही, साथ ही दोनों देशों के लिए अहम मुद्दों पर चर्चा करना शामिल है। प्रधानमंत्री का अमेरिका का दौरा उस समय हो रहा है जब कोविड पैंडेमिक अभी भी पूरे विश्व पर छाया हुआ है और यहाँ अमेरिका में इस वक्त जो वेव चल रही है उसमें रिकॉर्ड हॉस्पिटलाइजेशंस भी देखे जा रहे हैं। ऐसे वक्त में अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए, ये एक अहम मुद्दा होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 तारीख को यानी कि कल बहुत सारे अमेरिका के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे और काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सारी मुलाकातें अर्थव्यवस्था यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था को किस तरह वापस लाया जाए पटरी पर उससे जुड़ी हुई हैं और भारत और अमेरिका के बीच कैसे व्यापार बढ़ाया जाए उस पर भी नजर रखेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिका की यात्रा पर निकल चुके हैं। उनका एयरक्राफ्ट जो कि है एयर इंडिया 1, उसने पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है। ये इस वजह से क्योंकि इस वक्त भारत अफगानिस्तान की एयर स्पेस को अवॉइड करना चाहता था, यानी कि
अफगानिस्तान के ऊपर से विमान नहीं उड़ाना चाहता था। इसके लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट पाकिस्तान के लिए भेजी गई, क्योंकि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस वक्त भारत के विमानों के लिए, स्पेशली जो विमान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए, उसके लिए बंद है। तो एक रिक्वेस्ट भेजी गई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री का विमान पाकिस्तान की एयर स्पेस से उड़ाया गया। बुधवार की सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर निकले। पीएम मोदी की ये दूसरी विदेश यात्रा है जब उन्होंने नए वीवीआईपी विमान एयर इंडिया वन का इस्तेमाल किया। ये विमान बेहद स्पेशल है, बिल्कुल अमेरिका के राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स वन की तर्ज पर। भारत सरकार ने इस विमान को सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए ही मंगवाया है। इसे एआई वन के नाम से भी पुकारा जाता है। एयर इंडिया वन की बॉडी पर शानदार अशोक स्तंभ छपा है। इसके एक तरफ हिंदी में भारत और दूसरी तरफ अंग्रेजी में इंडिया लिखा है। दोनों नामों के नीचे तिरंगा की लाइनिंग प्रिंट है। साथ ही विमान के पिछले हिस्से पर तिरंगा झंडा पेंट किया हुआ है, जो दूर से ही इसकी पहचान बता देता है। प्रधानमंत्री मोदी जिस विमान से अमेरिका की यात्रा पर निकले हैं, बताया जाता है कि सुरक्षा के मामले में ये विमान अमेरिका के राष्ट्रपति के विमान के बराबर है। इस विमान की खास बात ये होगी कि ये ईंधन भरने के बाद बिना रुके भारत और अमेरिका के बीच की उड़ान भर सकेगा। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने पिछले साल अक्टूबर में भारत सरकार को BTALW रजिस्ट्रेशन नंबर वाले दो बोइंग 777-300ER विमान की सप्लाई की थी। एयरफोर्स वन जैसी क्षमताओं से लैस इस विमान में कई तरह की खूबियां हैं। एयर इंडिया वन मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। एयर इंडिया वन में ट्विन GE90115 इंजन है। एयर इंडिया वन 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरता है। एयर इंडिया वन ईंधन भरे जाने के बाद लगभग 17 घंटे तक उड़ान भर सकता है। एयर इंडिया वन में हैक या टैप किए बिना ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन की सुविधा है। एयर इंडिया वन दुनिया की मिसाइलों का पता लगाने और उनकी दिशा बदलने में सक्षम है। एयर इंडिया वन हवाई हमले होने की स्थिति में जवाबी कार्रवाई में सक्षम है। एयर इंडिया वन 35,000 फीट की ऊंचाई पर 1,013 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। एयर इंडिया वन विमान एक बार में 6,800 मील की दूरी तय कर सकता है और अधिकतम 45,100 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। एयर इंडिया वन में मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स मौजूद हैं। एयर इंडिया वन में दो कॉन्फ्रेंस रूम और प्रेस ब्रीफिंग रूम भी मौजूद हैं। बता दें कि लंबी दूरी के ये दोनों बोइंग भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए गए हैं और इसी विमान से प्रधानमंत्री ने दो दिन की अपनी बांग्लादेश यात्रा की थी। किसी तरह की इमरजेंसी होने पर ये विमान हवा में फ्यूल भर सकता है। जानकारी के मुताबिक ये विमान एक उड़ते हुए कमांड सेंटर की तरह काम करने में सक्षम है। इस नए विमान को एयरफोर्स के पायलट उड़ाएंगे। जाहिर है इस विमान की सुरक्षा ही इसे दूसरे विमानों से अलग कर देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहाज यानी कि एयर इंडिया वन आधुनिक मिलिट्री यानी कि डिफेंस तकनीक से लैस है। ये विमान 15 घंटे लगाएगा भारत से अमरीका तक पहुँचने में। थोड़ा वक्त ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि भारत, जैसा कि हमने आपको बताया, अफगानिस्तान की एयर स्पेस पर नहीं जाएगा, वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से उड़ान कर रहा है। इस वजह से अमरीका तक पहुंचने में इस विमान को 15 घंटे लगेंगे। हिंदी फिल्मों के अभिनेता सोनू सूद इन दिनों सुर्खियों में हैं। कुछ दिनों पहले इनकम टैक्स विभाग के लोग दस्तावेज की जांच के लिए उनके घर पहुंचे थे। इसी मुद्दे पर न्यूज 18 की प्रीति सोमपुरा ने सोनू सूद से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पिछले 1.5 साल से एक्टर सोनू सूद सुर्खियों में है। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कई लोगों की मदद की, कई मजदूरों को उन्होंने उनके घर तक पहुंचाया। लेकिन पिछले एक हफ्ते से इनकम टैक्स की रेड के बाद वो फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। क्या है सच्चाई, सोनू की आगे की रणनीति क्या होगी, क्या सोनू अपने NGO के तहत और भी लोगों को मदद करेंगे, ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है सोनू सूद। सोनू, नेटवर्क 18 में स्वागत है आपका। सोनू, जैसे कि पिछले एक हफ्ते से जो है इनकम टैक्स की रेड 3 दिन तक आपके घर पे हुई, तब उस वक्त क्या आप घर पे ही थे कि आपको कैसे पता लगा कि इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है? 3 नहीं 4 दिन थे, बट पता क्या लगना होता है खुद ही पता बता देते हैं कि भैया आ गए। मैंने बोला आओ वेलकम, बैठिए। जब आप आए गए इट हैज टू बी द मोस्ट स्पेशल एक्सपीरियंस। जब तो जो आज तक आपने रेड्स की हैं और जो आगे करेंगे ये सबसे बेहतर वाली होनी चाहिए। जब आप जाएं तो आपको ये होना चाहिए कि बहुत मज़ा आया और यू नो बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड यू नो व्हाटएवर यू वांट आई विल प्रोवाइड यू। और वो 4 दिन तक थे और जब जाने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि जो मैंने आपको वादा किया था वैसा था कि नहीं था। एंड दे सेड यस, इट वाज अ वेरी स्मूथ एंड वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एंड
आई थिंक दे डिड देयर जॉब वेल, बहुत कमाल के लोग थे सब लोग, और जो भी उन्होंने मांगा हमने कोशिश की कि उनको सब चीज़ें दे दी जाए। सोनू, आप पर यह भी आरोप लगा, 20 करोड़ की टैक्स इवेजन का, कर चोरी का आरोप आपके ऊपर लगा। देखिए, जो भी उन्होंने चीज़ें मांगी उनको हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट दे दी गई, क्योंकि मेरे जितने ऑफिस के लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जितने भी ऑफिस के लोग मेरे साथ नहीं रहते तो वो लोग भी ट्रैवल कर रहे थे, देवर ट्रैवलिंग टू हिमाचल, तो उनको वापस बुलाया गया, सब डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए, और जो जो उन्होंने मांगा हमने उनको हर एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया, एंड वील मेक श्योर कि जो भी वो मांगेंगे हम तुरंत उनको देंगे। आई टोटली वॉन्ट टू कोऑपरेट, और मैं चाहता हूँ कि उनके जो भी डाउट्स हैं, जो भी उनके सवाल हैं, उनका सही ढंग से प्रॉपरली जवाब दिया जाए, एंड आई मेक श्योर कि जो भी उनके डाउट्स हैं हम लोग उसे क्लियर करेंगे, और यू नो सब कुछ ठीक ही होगा। थैंक यू सोनू हमसे बात करने के लिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट चैरिटी वर्क। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। और इसी बीच बातचीत में सोनू सूद ने कहा कि एनजीओ को मिले हर पैसे का हिसाब उनके पास है। सोनू सूद ने बिना डरे गरीबों की मदद करने का भरोसा दिया और दावा किया कि वो राजनीति में आए बगैर अपना काम जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज आप जिस मुकाम पर देख रहे हैं, कई साल पहले तक उनका जीवन बिल्कुल अलग था। पीएम मोदी की जिंदगी के कई अनछुए और अनकहे किस्से दिखाएंगे मोदी द अनटोल्ड स्टोरी। आगे की कहानी कल रात 8 बजे। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी द अनटोल्ड स्टोरी, गुरुवार रात 8 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। और अभी मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन देखिए 100 बात की एक बात, किशोर अजवाणी के साथ।